दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ब्यूटी पार्सल चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश भी होंगे। तो मैं आपको बताया था कि ब्यूटी पार्सल चैनल में आपको वन डे एग्जाम से रिलेटेड और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने सोचा है क्यों ना क्लास ट्वेल्थ और टेंथ और ट्वेल्थ की भी स्टडी मटेरियल इस पर डाले जाए। तो आज से हमने इसके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आप बस कितना कुछ करना है कि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी को ये वीडियो मिल सके। और लास्ट टाइम मैंने आपने देखा होगा अखिल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। तो विवेक जी, आपको इस चैनल पे, बीएचयू पाठशाला चैनल पे क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल काफी यूजफुल लग रहा होगा। ठीक है, ओके विवेक जी, आप स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम विवेक सिंह है और आज साइंस में 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री आज डिसाइड किए हैं, केमिस्ट्री को आगे प्रोसीड करते हैं और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को आगे देखा जाए। आज आज के लिए यही टॉपिक है हम लोग का, केमिकल रिएक्शन। और बिना लेट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, तो जैसा कि साइंस में 3 पार्ट हैं, साइंस में 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग को खुले आंखों से नहीं दिखाई देगा, ओके। और फिजिक्स में क्या है, जो भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है सामने दिखने वाला, जैसे कि लाइट, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सब जो होता है वो फिजिक्स में। बायो में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग आज केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ये हमने एक टॉपिक लिया है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब आता है बात की केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है। तो केमिस्ट्री शब्द एक ग्रीक वर्ड है, किमिया, उसका हम लिख देते हैं, किमिया, किमिया वर्ड से आया है, ठीक है। तो अब किमिया वर्ड से आ गया केमिस्ट्री, और किमिया जो है इसका मतलब होता है सॉयल। इसको सॉयल से कनेक्ट करके हम लोग, मतलब किमिया शब्द का ग्रीक में सॉयल मतलब था, और उससे हम लोग का बना केमिस्ट्री। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो हमारे पास क्वेश्चन पहले नंबर आना चाहिए हमारे दिमाग में, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन वन और मोर देन वन रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फाइनली प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट्स आएंगे और कोई कंडीशन उसका होता है, जैसे कि उसको फिक्स टेम्परेचर प्रेशर, उसी पे कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस संपन्न होगा। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन वन और मोर देन वन रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में या तो एक रिएक्टेंट रह सकता है या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। और इसको केमिकल, हर एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस होने के लिए उसको फिक्स टेम्परेचर प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। तो उसका हर एक का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन हो गया, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। टाइप्स में देयर आर 8 टाइप्स, देयर आर 8 टाइप्स।
एक एक को हम लोग एक एक को रेगुलर करते हैं, हम लोग देखते हैं पहला नंबर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें होगा क्या फाइनली कि दो रिएक्टेंट्स रहेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब पहले समझिए, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जुड़ना, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट एक साथ जुड़ करके फाइनली वन न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट वन प्लस रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट स्टॉप। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल में जैसे कि 2H2 प्लस O2 2H2, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन के वन एटम्स, फाइनली वाटर के दो एटम्स बना दिए, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट टू रिएक्शन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ और न्यू प्रोडक्ट बना दिए वाटर, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड जो टाइप है, सेकेंड वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन किसी चीज का, डिकम्पोज का मतलब उसको ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ करके दो प्रोडक्ट में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ना, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, NaCl है, NaCl, इसको Na प्लस प्लस Cl माइनस आयंस में टूट गया। तो सोडियम का प्लस आयन है और क्लोरीन पे नेगेटिव आयन, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें ब्रेक डाउन होकर ये आयंस में टूट गए, जो कि अगर प्योर वाटर है तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग कंडक्ट कराएं तो वो कंडक्ट इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आयंस अगर डिजॉल्व हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टू। तो ये हो गए दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दो रिएक्टेंट एक साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं तीसरा वाला। चलिए तो अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है कि कोई एक रिएक्टेंट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं एग्जांपल, SO4 प्लस ZN, ZN SO4 प्लस Cu। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और ये रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर फाइनली प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि सिंगल कोई एक डिस्प्लेस हो रहा है
अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट डिरेक्शन। तो नेक्स्ट में दो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होंगे, एक दूसरे प्लेस पे चला जाएगा और दूसरा वाला इसके प्लेस पे आ जाएगा, उसको भी देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट डिरेक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका एग्जांपल देखते हैं, Cu Cl2 प्लस 2Ag NO3, ये हो जाएगा Cu NO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag Cl, राइट। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ है कि SO4 जो था कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट जो आयन है तो ये जिंक के साथ ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेस हो गया, ये इसके प्लेस पे आ गया। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो रिएक्टेंट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे। तो उसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में Cl2 और NO3, तो कॉपर के साथ है क्लोरीन और सिल्वर के साथ है NO3, तो क्लोरीन क्या हो गया कि सिल्वर के साथ ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे Cl2 जो है ये Ag के पास आ गया और NO3 जो है वो कॉपर के पास आ गया, तो यहाँ पे इसका यहाँ डिस्प्लेसमेंट और इसका यहाँ डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप फाइव में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो जैसे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके फाइनली क्या होता है कि साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो देखिए इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड वो बहुत रिएक्टिव होता है, बेस भी रिएक्टिव है, ठीक, बट दोनों को एक साथ जब उसको डिजोल्व करेंगे या एक साथ रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है कि फाइनली सॉल्ट एंड वाटर, जो कि सॉल्ट है वो भी न्यूट्रल है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वाटर भी रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हो गया, सॉल्ट में NaCl प्लस H2O, ये हो गया सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में HCl एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर, तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसका, हाँ तो नेक्स्ट वाला था, नेक्स्ट नंबर में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, वहां से रिप्लेस होना, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल है CuO, तो ये हो गया हम लोग का कॉपर प्लस ऑक्सीजन और फाइनली हम लोग को कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन भी है, ठीक है। इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं इसका एग्जांपल। रिडक्शन रिएक्शन में Fe प्लस O2 और ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ये क्या होगा Fe2O3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन कहाँ हो रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इसमें कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है O2 है, ये तो हो जाएगा Fe O3। देखिए यहाँ पे Fe है, Fe O3 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे O2 से फाइनली O लेकर के O3 हो रहा है, यहाँ पे है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग एक साथ अगर लेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को जब एक साथ पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में होगा क्या कि दोनों रिएक्शन एक साथ जब होंगे, जो कि जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिंग और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, या फिर ये एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों उसमें होगा एक साथ जब होगा तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन हम बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन जब एक साथ होगा तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका यही एग्जांपल है, सेम इसी को एक साथ जब लिखेंगे तो Fe प्लस O2 ये हो जाएगा Fe2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहां से हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां से हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग इसका जनरल लाइफ में हम लोग इसका क्या क्या यूज आता है, कहाँ कहाँ रिएक्शन ऐसे होते हैं, इनको देखते हैं तब तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जनरल लाइफ में कौन कौन सा इसका यूज है, या फिर ऐसे रिएक्शन कौन से होते हैं जनरल लाइफ में, उन लोग को हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं क्या, कोई भी सब्सटेंस रख दो सुबह से शाम में, उसमें किसी भी एलिमेंट कंपाउंड से उसका रिएक्शन हो ही जाता है। जैसे एज ए एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को देख लिया जाए जब नया रहेगा तो पूरा उसका जो सरफेस होगा क्लीन होगा, लेकिन
आफ्टर सम टाइम वो ऑक्सीडाइज होकर के उस पर रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं रस्टिंग में क्या होगा। रस्टिंग रस्टिंग तो रस्टिंग में क्या है कि कुछ इसके मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, मेन फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। मेन फैक्टर्स में पहला नंबर पे आएगा लाइट, दूसरा में मॉइस्चर और तीसरा में लाइट मॉइस्चर और रस्टिंग के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तीनों के प्रेजेंस में रस्टिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं Fe प्लस O तो क्या हो जाएगा FeO। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो Fe होगा। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स में से कोई एक नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तीनों फैक्टर्स लाइट मॉइस्चर और ऑक्सीजन तीनों इम्पोर्टेंट हैं फॉर रस्टिंग। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आफ्टर रस्टिंग आयरन जो है वो हल्का होगा या बिफोर रस्टिंग। ठीक है, तो कोई भी आयरन है तो आफ्टर रस्टिंग उसमें ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाएगा तो वो उससे हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है हमेशा कि आफ्टर रस्टिंग आयरन भारी हो जाता है बिफोर रस्टिंग के। ठीक है, अच्छा, रस्टिंग के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी में क्या होता है कि जनरल हम लोग देखते हैं जनरल लाइफ में कि कोई भी फूड मटेरियल रख दो सुबह से शाम, अगर समर सेशन हो तो उसमें क्या होता है कि रस्टिंग में और रेंसिडिटी में वो सुबह से शाम रखने पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड रस्टिंग। तो हम लोग को ध्यान देना है कि फूड मटेरियल है कोई फूड मटेरियल प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या कर देगा उसको उसमें से स्मेल आएगा। ठीक है, आफ्टर रस्टिंग क्या होता है फूड मटेरियल स्मेल देने लगेगा, तो इसीलिए इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है कि जैसे कि हम लोग का जो भी फूड मटेरियल जैसे चिप्स आता है, कुरकुरे, ऐसे जितने भी फूड मटेरियल्स हैं जो पैकेट में हैं उन लोगों को उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज अ इच एन इनर्ट गैस, तो वो अक्रिय गैस से उतना रिएक्शन नहीं करता है जल्दी, तो इसलिए फूड मटेरियल जो भी पैकेट प्लास्टिक वाला फूड मटेरियल आता है प्लास्टिक में पैक, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो फूड मटेरियल में अगर कुछ देर रख देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गंदा स्मेल देने लगेगा और फाइनली वो खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रिवेंशन के लिए करते हैं, जैसे कि फ्रिज में हम लोग सब्सटेंस को रखते हैं ताकि उसमें कोई भी जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया ना घुस पाए, और एक टेम्परेचर भी, और ये क्या है कि ज़्यादा प्रोटीन्स को जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, प्रोटीन्स मटेरियल जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो इसलिए इसका प्रिवेंशन के लिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। आगे देख, रेंसिडिटी में फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, और एक बार पूरा उसको रिव्यू कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फाइनली प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
अच्छा इसमें टाइप्स, पहला टाइप्स कौन है? तो कंबिनेशन रिएक्शन, कंबिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट रहेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट रहेगा और आफ्टर रिएक्शन दो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि कोई एक रिएक्टेंट या एटम्स, वो क्या होगा, एलिमेंट अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर जाएगा, दूसरे प्लेस पे चला जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दो एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स या कंपाउंड अपने प्लेस से डिस्प्लेस होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, वहां से रिप्लेस होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, उसमें हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिप्लेस होना, तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्शन ऑक्सीजन का ऐड और हाइड्रोजन का रिड्यूस एक साथ हो रहा है, दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी में क्या होगा कि फूड मटेरियल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो वो उनका मतलब स्मेल खराब हो जाएगा और खाने लायक नहीं रह जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था रस्टिंग, रस्टिंग में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, लाइट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग प्रोसेस, ओके। सो अब टोटल रिव्यू हो गया, अब आप लोग को पढ़ना है, और पढ़ना है तो थोड़ा मन लगा के टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम दीजिए, और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बीएचयू पाठशाला, थैंक यू।